अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा मजेदार सा नाश्ता, सूजी कटलेट, जो कि बहुत ही इजी तैयार तरीके से बन जाता है और बहुत ही ज्यादा मजेदार बनता है ये। तो आज हम उसको बनाएंगे, तो हम आपको बनाते जाएंगे और इसका मेजरमेंट दिखाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाल लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब या 1 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 छोटा शिमला मिर्च इसके मैंने बीज हटा दिए, इसको बारीक बारीक काट लिया है, 1 गाजर इसको मैंने छील कर धोकर अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो अपने पसंद की और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका, तेल हमारा गर्म हो रहा है। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है, ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो एक बार आप उसको मिक्सर में घुमा सकते हैं। और इसी कप से मैंने 1 कप सूजी ली है और 2 कप हम पानी का यूज करेंगे। जैसे हमने सूजी 1 कप लिया है तो इसका हमें डबल पानी चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 कप पानी का यूज करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे हमने जो बारीक प्याज काट कर रखी है वो, उसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। प्याज हमारी सौते हो रही है तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, इसको हम हल्का सा भून लेंगे इसी के साथ में। और प्याज को हमें बहुत ज्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है तो यहीं पे हम डाल देंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और ये 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, ये भी ऐड कर देंगे इसी में। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसको बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में और जब भी आपको खाना हो 2 से 3 दिन 4 दिन तक आप उसको निकाल के फ्राई करें और फटाफट गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्याज और शिमला मिर्च हल्की सी पक गई है, आंच हम स्लो रखेंगे। यहीं पे ऐड कर देंगे हमने जो 1 गाजर ली है बारीक कटी हुई, इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा मसाले भी नहीं जाते, बस हल्के से मसाले पड़ते हैं। सब्जी हमारी पक रही है तो इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, आप प्याज के बाद ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून के करीब। इसको भी हम साथ के साथ भून लेंगे। और गैस यहाँ पर हम स्लो ही रखेंगे। मसाले ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे हम 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, इससे ही सारा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ सब्जियों के साथ और थोड़ी देर के लिए इसको हम भून लेंगे हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे मसाले जो है अच्छी तरीके से पक जाएं। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर भून लिया है। अब सब्जी और मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं तो हम यहीं पर ऐड कर देंगे हमने जो पानी लिया है 1 कप, और 1 कप पानी हम और ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम लगा देंगे ढक्कन, ढक्कन लगा देंगे ताकि इसमें उबाल जल्दी से आ जाए और मीडियम आंच रखेंगे। पानी में हमारे उबाल आ गया है और आंच मैंने स्लो कर दी है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके सूजी ऐड करेंगे और इसको चलाते जाएंगे, एक साथ हम सारी सूजी नहीं डालेंगे, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सूजी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। क्योंकि अगर हम एक साथ सूजी ऐड कर देंगे तो इसमें गुठली बन जाएंगी, गांठे पड़ जाएंगी, और इस तरीके से हम डालेंगे तो गुठलियां नहीं बनेंगी इसमें। और आंच हमें यहाँ पर बिल्कुल स्लो रखनी है। अब हमने सारी सूजी ऐड कर दी, इसको हम अच्छे से जल्दी जल्दी तेज हाथों से मिक्स कर लेंगे।
दबा दबा के। और यहीं पे नमक टेस्ट कर लें, अगर नमक आपको कम लगता है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, नमक और मिर्च। इस तरीके से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। और आंच हमें सिलोई रखनी है। देखिए ये एक डो की तरह बन चुका है, इसको हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, थोड़ा सा नमक हमें कम लग रहा है तो इसमें हम 1/3 टीस्पून हम और नमक ऐड कर लेंगे। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी सभी चीजें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। देखिए एक आटे की तरह हो गया है। यहीं पे गैस हम बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इतना ठंडा हो गया कि हमारे हाथ इसको अच्छे से छू सकें। बहुत ज्यादा हमें इसको ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो फिर सूजी जो हमारी वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी तो ये बनेगा नहीं। इसमें हम डाल लेंगे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसी में हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप अरारोट या चावल का आटा भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प बनेंगे हमारे स्नैक्स ऊपर से। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये गरम है, बस हमें इतने गरम में ही इसको मिक्स करना है कि हमारे हाथ अच्छे से इसको छू सकें। इसको बिल्कुल आटे की तरह इसको हमें मसल कर चिकना कर लेना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अभी हमें इसको और चिकना करना है। तो थोड़ा सा हम हाथों में तेल ले लेंगे ताकि हमारे हाथों में चिपके नहीं। इसको हम इस तरीके से डालकर तरीके से आटे की तरह इसको हमें गूंथ लेना है। मैंने इसको अच्छे से आटे की तरह चिकना कर लिया है, देखिए कितना स्मूथ सब डो बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो इस प्लेट में हमने तेल लगा लिया है नीचे, आपके पास अगर बर्फी की ट्रे है आप उसमें भी इसको जमा सकते हैं, या कोई भी थाली कोई भी प्लेट ले लो उसमें भी आप इसको जमा सकते हैं। इसको हम इसे और जितना आपको मोटा पतला रखना है उस हिसाब से आप इसको फैला लें। मैंने इसको अच्छे से स्क्वायर शेप में फैला लिया है और इसको हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी है, आप पतला करना चाहते हो आप इसको पतला कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे स्क्वायर शेप में जमा लिया है। अब इसको हम 1/2 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसके पीस कट करके फिर उसको फ्राई करेंगे। देखिए हमने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, फ्रीजर में नहीं रखा था हमने, फ्रिज में रखा था। ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, तो आप अपने मनचाहे पीस मनचाहे शेप में काट सकते हैं, छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो। तो इसको हम स्क्वायर में काट लेंगे। इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, अब इसको इनके पीस को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छी तरीके से पीस हमारे बाहर निकल के आ रहे हैं, ये देखिए। इसको थोड़ा सा हम हाथों से इसी तरीके से हम सारे पीस को बाहर निकाल लेंगे। और मैंने इधर तेल भी गर्म होने रख दिया है, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरीके से इसको फ्राई कर सकते हैं। पीस को हमने बाहर निकाल लिए हैं, इधर तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, अच्छे से मीडियम आंच पे मैंने इसको गर्म कर लिया था। अब मैंने गैस यहाँ पे स्लो कर दी क्योंकि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरीके से हम धीरे धीरे इसको डालकर हम फ्राई कर लेंगे, ये ऊपर से एकदम क्रिस्प होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे।
एक बार में जितने पीस आएंगे उतने पीस हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से हमारे स्नैक्स सिक चुके हैं तो इनके हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसमें। इस तरीके से हम इसकी दोनों तरफ से हम उलट पलट कर अच्छा गोल्डन कलर आने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको सिक जाने देंगे। दोनों साइड से हमारे स्नैक्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मीडियम आंच पे मैंने इनको फ्राई किया है, बहुत तेज आंच पे नहीं फ्राई किया है। तो इस तरीके से इनको हम निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है हमारे स्नैक्स का। तो इसको हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। इसी तरीके से हम चम्मच को रोकते हुए निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस कढ़ाही में भी चला जाए। उसके बाद जो बचेगा वो टिश्यू पेपर पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए कटलेट्स भी हम अपने इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए जितने खाने में क्रिस्पी लग रहे हैं उतने ही मजेदार हैं ये। तो दूसरी बार के स्नैक्स भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पर। पलट देंगे। दूसरी बैच के हमारे स्नैक्स फ्राई होकर तैयार हो गए हैं तो इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। गैस हम बंद कर देंगे। सारे स्नैक्स हमने फ्राई कर लिए हैं और देखिए ये ऊपर से क्रिस्प हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मजेदार से बने हैं ये। आप इसको हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।